वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। फुटबॉल प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है अर्सेनल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच। 5 बजे मैच खेला जाएगा शाम को, और सैटरडे संडे को प्रीमियर लीग के बहुत मैच होते हैं, और अब ऐसा ही चलना है भाई कुछ महीनों तक कि मतलब आपको लगभग प्रीमियर लीग के बहुत मैच यहाँ पर कवर करने हैं। बहुत मतलब दबा के मैच हैं प्रीमियर लीग के। सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो अर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट, आपको पता है कि पहली बार तो फेस कर नहीं रही दोनों टीमें। अब बोलूँ कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लास्ट मैच में इनको हराया था, तो वो एक मैं कहूँगा कोइंसिडेंस था, मतलब वो एक अजीब थिंग थी, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने इनको हराया। जबकि अर्सेनल टीम हारने वाली चीज़ नहीं है, अर्सेनल टीम बहुत दमदार टीम है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि अर्सेनल टीम पे शक कर ही नहीं सकता मैं। तो सबसे पहले तो बहुत चेंजेस हुए हैं अर्सेनल में भी, बहुत चेंजेस हुए हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट में भी, और पूरी प्रीमियर लीग की जितनी भी 20 की 20 टीम्स हैं उसमें ऐसा हुआ है कि कई प्लेयर कई लीग में चले गए, मतलब कईयों ने अपनी प्रीमियर लीग की मेन टीम छोड़ दी, और अब प्रीमियर लीग में कई नए प्लेयर्स भी आए हैं जो अनदर लीग्स में खेलते थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ नॉटिंघम फॉरेस्ट के स्ट्राइकर की, तो यहाँ पर आपने लेना है अवोनी को। अवोनी ही चला है क्योंकि लास्ट सीज़न का रिकॉर्ड भी अगर आप देखोगे तो अवोनी का ही नाम था उधर, क्योंकि अवोनी ही ने भी जो भी कुछ किया है वो अपने बलबूते किए हैं, गोल वगैरह असिस्ट बहुत दम दिखाए हैं इसने, असिस्ट किए हैं मतलब गोल करवाया है, गोल किए हैं, ठीक है। तो अवोनी को लूँगा। और अपोजिशन टीम की बात करें जिसको हम फेवर कर रहे हैं, उसका नाम है अर्सेनल, तो उनमें एक प्लेयर ऐड हुआ है बैलोगन, ठीक है। आप पता नहीं इसको खेलेंगे खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको भी एक अच्छी राय दूँ तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास भी बहुत चेंजेस है। नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास क्रिस वुड है, नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास एच यू जो है, इमैनुअल डेनिस है, बहुत प्लेयर है भाई इन पे भी, लेकिन मैं अर्सेनल के प्लेयर लूँगा। गैब्रियल जीसस नहीं खेलेगा शायद, इसकी इंजरी चल रही है सुनने में आया है। सो मार्टिनेली को सेव करो, एंड मार्टिनेली के बाद ट्रोसार्ड, क्योंकि ट्रोसार्ड के जितने भी सेकेंडरी लीग के मैचेज हुए हैं उसके अंदर ट्रोसार्ड ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया अर्सेनल की तरफ से। और आगे से बात करें यहाँ पर मिडफील्डिंग की, तो आप यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ पर ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बिसाका एंड ओडेगार्ड, इन दोनों को ही लेने की हमेशा राय देता हूँ, क्योंकि मिडफील्डिंग में अर्सेनल का मुकाबला नहीं है भाई, मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर अर्सेनल का मुकाबला है ही नहीं। और आगे से अगर मैं बात करूँ तो ये से और भी प्लेयर हैं, हैवर्ट्स हो गया, डेक्लिन राइस जो कि पहले वेस्टहैम यूनाइटेड में खेला करता था, हैवर्ट्स जो पहले चेल्सी में खेला करता था, उसके बाद जॉर्जिनो ये भी पहले चेल्सी में था, थोड़ा तो टाइम हो गया आए हुए, और एन पेप पहले भी आई थिंक ये अर्सेनल में दोबारा आया है क्योंकि इसने बीच में टीम छोड़ी थी। तो मतलब बहुत चेंजेस हैं, अगर नया कोई खिलाड़ी भी खेलता है तो हम लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और आपको मैं कोशिश करूँगा कोई 2-4 टीम ओपन देने की, 2-4 तो नहीं 2-3। बाकी एम गिब्स वाइट को लूँगा क्योंकि एम गिब्स वाइट का नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से बहुत जोर रहता है, और इसी के साथ ब्रैनन जॉनसन, क्योंकि शायद ये ब्रैनन ही है ना, हाँ ब्रैनन जॉनसन को स्ट्राइकिंग आती है बहुत अच्छी तरह, स्ट्राइकर के तौर पे ले रहा हूँ। एंड बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, यहाँ पर है हमारा सबसे पहले देखो जिनचैको को लो, क्योंकि जिनचैको इंटरनेशनल तक बात है भाई उसकी, इंटरनेशनल तक खेल रखा है, और एक बार नहीं कई बार, और मिडफील्डिंग करता है इंटरनेशनल में, सो बड़ा इसका नाम है यहाँ पर। और गैब्रियल मैगलेस को लूँगा। उसके बाद ना आप देख लीजिए, आपने अगर 4 डिफेंडर नीचे से उठाने जिसकी सिलेक्शन आपको कम चाहिए, तो फिर तो वो मिलेगा आपको अर्सेनल का प्लेयर जिसका नाम है जूरियन टिम्बर। इफ़ यू वॉन्ट टू गो सेफ तो आपको लेना पड़ेगा बी वाइट। अब आप देखिए सेफ जाना रिस्क लेना, क्योंकि मेरी राय सेफ के साथ है आपको। एंड बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग, यहाँ पर है एम टर्नर, एम टर्नर को ही लेता है, मैट टर्नर खेलता है या ये खिलाते हैं वेन को, ठीक है, वेन हैनसी या एम टर्नर में से कोई एक ही खेलेगा। एंड बात करें यहाँ पर कप्तान की, कप्तान जो हमारा है वो तो देखो साका ही है, वाइस कप्तान ओडेगार्ड, क्योंकि मैं इस चीज़ में रिस्क नहीं लूँगा। अब लोग बोलेंगे तूने सिलेक्शन देख के रख दिया, मैं कहता हूँ अगर इनकी सिलेक्शन 0 भी होती ना तो भी मेरा कप्तान साका रहता, वाइस कप्तान ओडेगार्ड। मैं पागल थोड़ना हूँ मार्टिनेली को रख दूंगा यार, मार्टिनेली कब सब्स्टिट्यूट हो जाए क्या पता, इनका तो पता है लास्ट मिनट तक गेम प्ले रहता है। चलो ओडेगार्ड ज़्यादा नहीं तो 64 मिनट तो खेलता ही खेलता है, ठीक है, तो ओडेगार्ड तो 64 मिनट में गेम बदलते हैं, 90 तो दूर की बात है, इसलिए मैं ओडेगार्ड पर बहुत बिलीव करता हूँ। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।